हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने एक और न्यू व्लॉग में। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है, आज हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। एक बाइकर का सपना रहता है और वही सपना मेरा भी था और वो आज पूरा हो रहा है, मतलब चालू होगा आज से हमारा जर्नी। आज 5 मई 2024 डेट है। तो आज हम लोग अभी निकल रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है, 4 बजे निकलना था लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ है। प्रशांत भाई और मैं अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जर्नी आगे बहुत लंबी होने वाली है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना आपके दोस्त और फैमिली के साथ। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करके रखना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और पता नहीं भाई, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस भाई, प्रशांत भाई रात को ही मेरे घर पर आए थे, अभी 3 बजे हम लोग उठे, पूरा रेडी वेडी हुआ, बाइक्स नीचे खड़ी है, बाइक के ऊपर पूरा सामान लोड कर दिया। और अंदर आपको दिखाता हूँ मैं अंदर कौन है। ये देखो, हमको टाटा बाय बाय करने के लिए कौन आया है, ये अपना आदित्य भाई, और इसको तो आपने देखा होगा। तो चलिए फिर अभी निकलते फटाफट, जैकेट पहन लिया है, अभी खाली पैंट पहनना है। चमक रहा है ना भाई, चमकूंगा ना भाई, वो तो पहनने का है। ये देखो मैंने ये भी ले रखा है भाई, ये वीडियो में बहुत चमक रहा है फ्लैश पड़ने के बाद। तो भाई निकलते हैं अभी, ऑल सेट, एकदम पेटी पैक, सांस लेने को नहीं आ रहा है, बहुत पैक पैक लग रहा है। बहुत दिनों बाद राइडिंग गियर्स पहने, कोकोनट राइड जो भी थी अपनी उसके बाद आज राइडिंग गियर्स पहन लो, मतलब 1 हफ्ता हो गया। ये देखो भाई अपनी बाइक फुल लोडेड लग रही है भाई, साफ फील आ रहा है बहुत दूर जा रहे हैं सब। ये अपना यहाँ पे मैंने मैप बना रखा है, लद्दाख, मुंबई, दिल्ली, शिमला, स्पीति, मनाली, लेह, लद्दाख, नुब्रा, ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है, और बहुत कुछ होने वाला है। तो ये अपना लगेज सेटअप है, अपने सैडल बैग हो गए, ये अपना इसका नाम क्या है बैग का, राइनॉक्स का कुछ तो है, ड्राई बैग नहीं, एक्सपेडिशन बैग, राइनॉक्स का एक्सपेडिशन बैग। ये अपना 2 सैडल बैग हो गया, ये अपना राइनॉक्स का टेल बैग हो गया, और यहाँ पे राइनॉक्स का टैंक बैग, ऐसा कुछ अपना अभी तक का सेटअप है, फुल लोडेड। भाई तेरे को कैसा लग रहा है मैं इतना दूर जा रहा हूँ भाई? बहुत खुश हो रही है। मैं नहीं बताऊंगा, बताना भाई, भाई भाई तू बताना भाई, बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है, बहुत मतलब सबका सबका सपना होता है ना, ये सबका सपना होता है, सबका सपना होता है, हर बाइकर का सपना होता है। और ये बंदा अपने साथ है अभी पूरा 1 महीना, एक महीना इसका शक्ल देखना है। कभी थोड़ा पूजा वगैरह करते हैं बाइक का और निकल जाते हैं। अभी अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, 5 बजने को कुछ 10 मिनट बाकी है। भाई साहब अभी हम धुले में पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है। क्यों भाई इतना ट्रैफिक, क्यों मेन हाईवे पर ट्रैफिक, कुछ हुआ है क्या आगे? तो भाई अपन अभी धुले में पहुंच गए हैं, ये देखो यहाँ पे रूम ले रखा है हमने। भाई मजा आया ना, बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने। धूप बढ़ रही थी तो हमने सोचा होटल लेके रुक जाते, शांति से आराम करते सोते। आज सुबह हम निकले ना, तो सुबह हम 3 बजे से उठे और रात को पूरा रात नींद ही नहीं आई है, मतलब नींद 0% नींद हुई है हमारी, पूरी रात हम लोग सोए नहीं है। और सुबह 5:30 बजे हम लोग निकल गए, अभी पहुंचे धूले में, 300 किलोमीटर धूले मेरे घर से। अभी मस्त खाना ऑर्डर किया है, बाहर नहीं जा रहे, बाहर बहुत गंदी धूप है। टेम्परेचर क्या दिखा रहा है? 41 ओ भाई साहब, 41। मस्त खाना खाएंगे और सो जाएंगे, मस्त 6-7 घंटे की नींद मारेंगे, और शाम के 7 बजे के बाद अपन राइड स्टार्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। खाना अपना आ चुका है यहाँ पे, एकदम दबा के अभी खाते हैं, मस्त राइस ऑर्डर किया है, दाल खिचड़ी, और सो जाते हैं, क्योंकि अच्छी नींद आने के लिए दाल खिचड़ी खाना ही पड़ेगा, और मम्मी ने भी कुछ दिया है घर से, वो भी खाते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी देख सकते हो 6:33 हो रहे हैं, सुबह के 6:33 नहीं हो रहे, शाम के हो रहे हैं। गुड इवनिंग, अभी एकदम मस्त नींद मारी है। आई थिंक हम 2 बजे सोए थे, 2, 3, 4, 5, 6 मस्त 5-6 घंटा नींद आई है। आप फेस के ऊपर देख सकते हो कितनी अच्छी नींद आई थी, क्योंकि रात को थोड़ी भी नींद नहीं हुई थी। मतलब एक घंटा खाली हम लोग सोए थे, उतने में भी फिर अलार्म बज गए, फिर उठ गए, ऐसा हुआ था। और अपने रूम से ऐसा कुछ व्यू है, देखो वहाँ पे मस्त शादी चल रही है, शादी। और वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईवे दिख रहा है। 1000 रुपीज़ में हमको होटल मिल गया। ये खर्चा मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ, और आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा। धूले में ये होटल रसराज करके है, धूले में अच्छा प्राइस में मिला हमको, थोड़ा सा बार्गेन किया, क्योंकि हमको 24 आवर्स के लिए नहीं चाहिए था। तो हमने उनको थोड़ा बताया कि हम 8 बजे तक चले जाएंगे, तो उन्होंने 1000 रुपीज़ में दे दिया। ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पे एड नहीं कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि जर्नी अपनी बहुत लंबी होने वाली है, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया। भाई साहब बॉर्डर पे पहुंच गए अपन, पहली बार अपनी एक्सपल्स एमपी में एंटर होगी, बहुत अच्छा लग रहा है यार। भाई अभी यहाँ पे रुके हम लोग, यहाँ से इंदौर 155 किलोमीटर से, अब यहाँ पे कुछ खाते हैं, तेरे को नहीं बता रहा हूँ, ब्लॉग में बता रहा हूँ। इंटरकॉम का मजा भाई, यहाँ से इंदौर अभी 150 किलोमीटर बचा है, और अभी डिनर ब्रेक के लिए रुके। ये सुकून मैं आपको भी देना चाहता हूँ यार, कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है इधर ही सो जाओ। चलो भाई निकलते अभी यहाँ से, लेट्स गो, धीरे से आना। तो भाई रात के 12 बज रहे हैं, और अभी अपन निकल चुके हैं खाना वगैरह खा के, और अभी अपन सीधा इंदौर में रुकेंगे। इंदौर यहाँ से आई थिंक 150 किलोमीटर है, 2 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई थिंक 140 या 150 किलोमीटर है। प्रशांत भाई तो फेमस हो गया भाई, बच्चे लोग फोटो खींचा रहे उसके साथ। अभी रुके यहाँ पे, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे, कोई तो घाट है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा घाट है। इंदौर यहाँ से 50 किलोमीटर बता रहे, और आधा एक घंटा लगेगा अपने को। हेलो तो भाई अभी रात के 10:12 हो रहे हैं, और अभी अपन आगरा से कुछ 50 किलोमीटर आगे रुके हैं। अब ये एरिया का नाम मुझे पता नहीं, बस हमको सुबह नींद आने लगी, तो सुबह हमने यहाँ पे एक होटल देखा, होटल देख के मस्त रूम ले लिया, और आई थिंक 2-3 बजे तक हम लोग सो गए। उसके बाद हम वापस 50 किलोमीटर पीछे गए इंदौर, इंदौर में जाके एक दोस्त को मिलना था, प्रशांत भाई का एक दोस्त था, उसको मिल के अभी हम लोग वापस आए हैं। अभी रात के 10:13 हो रहे हैं, तो अभी घर से आई थिंक 600 किलोमीटर हम लोग दूर आ गए हैं। यहाँ पे बाजू में एक अपना क्या बोलते हैं कैफे था, वहाँ पे जाके मस्त डिनर किया, डिनर करके आ गए हैं, अभी मस्त सोते हैं। अभी सोच रहा हूँ पूरा ये जो ताम जाम आपको दिख रहा है, ये सारा ऐसा बिखरा पड़ा है, ये इसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद सो जाते हैं, और सुबह आई थिंक 4 बजे हमको निकलना है, 4 बजे अपन आगरा के लिए निकल जाएंगे। कल 7 तारीख है, और 7 तारीख से अपना लद्दाख का डे 2 चालू हो जाएगा। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं ये वाले ब्लॉग का। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो
लाइक करके जरूर जाना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, बी सेफ, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।